और भाई क्या हाल चाल है, कहाँ गायब हो जाते हो महीनों के लिए? अच्छा ये बताओ कि बेटी कैसी है? माशाल्लाह कुछ तो है ना अपने घर में? अल्लाह का बड़ा करम है, बेटे की विलादत हुई है, कल ही फोन आया था उसका, माशाल्लाह बहुत खुश है। अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, माशाल्लाह तो तुम नाना बन गए हो। नाना बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अरे भाई ये मैंने कब कहा, अरे तुम्हें बूढ़ा कहने का मतलब अपने आप को बूढ़ा कहने के बराबर है, और आखिर हम दोनों हम उम्र ही तो हैं। बस यार कैदे तन्हाई काटे नहीं कट रहे। दीवी के इंतकाल के बाद घर काटने को दौड़ रहा है, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर का चक्कर लगा लेता हूँ। अरे भाई तुम दूसरी शादी कर लो, इसमें कौन सी कयामत है? और हाँ यहाँ आ जाए करो, जरा दिल लगा रहता है, गपशप चलती है हम दोनों की। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी काफी अरसे से ये सोच रहा था, अब बात चलने के लिए तो आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ हेलो, अरे भाई क्या हाल चाल है, कहाँ हो भाई, सब खैरियत तो है? काफी अरसे के बाद आपके हाथ की चाय नसीब हुई है। जी आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। जी ठीक, मुझे कुछ काम है, आती हूँ। क्या परेशानी है तुम्हें, हैं? क्या अब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सब हिसाब बेबाक कर चुका हूं मैं तुम्हारा। क्या मैं कौन सा हक, कैसा हक, पुलिस स्टॉप लगा चुका हूं तुम्हारे आगे, हैं? अब आइंदा फोन मत करना मुझे तुम। मेरी प्यारी पुप्पो क्या सोच रही है? कुछ नहीं, अब वो तुमने गोश्त निकाल दिया था फ्रीजर से। लो कब का निकाल दिया और चढ़ा भी दिया चूल्हे पर, आप आराम कर लो, आज का खाना मैं बनाऊंगी। अरे तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि हांडी चूल्हे में नहीं घुसा करो, हाथ पाथ चल जाएगा। पुप्पो मुझे कोई तो काम करने दिया करे, आप तो मुझे काम पे हाथ ही नहीं लगाने देते, अगर काम नहीं करूंगी तो सीखूंगी कैसे? जी जी मुझे पता है आपको सारे काम आते हैं, लेकिन ये काम अपने घर जाके कीजिएगा। पता है भैया आपको बहुत जल्द रुख्सत करने वाले हैं। पुप्पो अच्छा चलो ठीक है, मैं नीचे काम देख कर आती हूँ। ओके काफी अरसे के बाद आपके हाथ की चाय नसीब हुई है। जी आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। जी ठीक। Thank you.
मुमताज, तुम ये कभी मत समझना कि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी से आंखें बंद कर ली। बाखुदा मैं पूरी कोशिश में लगा रहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूँ, मगर भैया मुझे मालूम है आपने मुझे माँ बाप बनकर पाला है। हाँ बस शहर के लिए रिश्ता देख रहा हूँ मैं, दुआ करो कि उसका कहीं रिश्ता लग जाए और साथ साथ तुम्हारा भी, तो मैं तुम दोनों को एक साथ ही रुखसत कर दूंगा। भैया आप मेरी फिक्र नहीं करें, आप शहर को रुखसत करने का सोचें। अरे क्यों, तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं करूं भाई, मायूसी गुनाह है, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब अच्छा करेंगे। जी वो भैया कुछ कपड़े लेने थे शहर ने, तो मैंने सोचा कि आपसे बोलूं कि कुछ पैसे दे दें तो कल जाके हम शॉपिंग करके आ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। क्या बात है भाई, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया, तुम तो गायब ही हो गए। पिछले हफ्ते तो आया था। अरे रोज ही खैरियत पता करते हो, और एक हफ्ते चक्कर नहीं लगाओगे तो महसूस तो होगा ना। अब काफी मसरूफियत थी, आप बताएं तबीयत कैसी है। अरे तबीयत का क्या है, 19-20 चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये भी आई हुई है। जी अंकल वो इनकी छुट्टियाँ खत्म हो गई ना, तो ये वापस दुबई चले गए, और वैसे भी अगले महीने कामरान भी वापस आ रहा है और अम्मी उसके लिए लड़कियां देख रही हैं, बस इसीलिए मैं भी आ गई। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, फिर देखिए कामरान की कोई लड़की वगैरह। अरे हाँ देख तो रहे हैं। अच्छा वैसे ये बताओ तुम्हारी नजर में कोई खानदानी अच्छी लड़की है। मुंह बोला भाई हूँ तो क्या हुआ, कामरान मेरा भांजा तो है ना, मैं जरूर देखूंगा उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की। अरे अंकल बातें छोड़े, आप पहले चाय पिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है, और वैसे भी अंकल शादी के सारे बाहर के काम आपको ही संभालने। ये भी कोई बोलने वाली बात है, अरे सब मैं ही करूंगा। मुझे तंग करना छोड़ दो, गुस्सा मत दिला मुझे। जाओ जाओ ये भी शौक पूरा कर लो, दरवाजा खटखटा लो अदालत का। देखो मुझे धमकियां मत देना, मैंने कानूनी काम पूरा किया हुआ है। क्या बात है इम्तियाज, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ यार शहर अपने घर की हो जाए बस इसी वजह से परेशान रहता हूँ, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। वाह क्या बात है, देखो इस तरह होते हैं रिश्ते, मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आया था। क्या मतलब। मेरी मुंह बोली बहन है सागदा आपा, उनको अपने बेटे के लिए शहर जैसी लड़की की तलाश, अब कहो तो बात आगे चलाऊं। वो तो सब ठीक है, पर कौन लोग हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है, क्या काम है उसका। खानदानी लोग हैं, लड़का दुबई में इंजीनियर है, वालिद का इंतकाल हो चुका है, माँ है, एक बहन शादीशुदा है। अच्छा ये लड़के की उम्र कितनी है। यही क्यों 24-25 साल, खूबरू जवान बच्चा है माशाल्लाह, और अगले महीने आ रहा है शादी के लिए। तो फिर ठीक है, तुम एक काम करो कि लड़के की अभी कोई मौजूदा तस्वीर भिजवा दो।
तस्वीर की जरूरत नहीं है, एक दो दिन में साजदापा को चाय बुला लो, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ यार, कह तो तुम ठीक रहे हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, माशाल्लाह अल्लाह नसीब अच्छा करे तुम्हारा। बड़ी नेक बच्ची है मेरी। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं? शहर तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो, शाम हो गई है, वो लोग आते ही होंगे। तुम ये ब्लैक वाला पहन लो, जाओ जल्दी। ठीक है। लड़की भी ना इसी काम की नहीं है, हर काम ले जैसे धनिया चाहिए था मुझे। ये देखें मेरे बेटे की तस्वीर, भाई साहब को भी दिखाएं। अच्छा अच्छा ओहो, देखें भाई साहब, रिश्ता होना ना होना ये तो नसीब की बात है। वैसे हम लोगों को आपसे मिलके दिली खुशी हुई। अरे भाई ये सब मेहताब भाई की मेहरबानी है, इन्होंने हम सबको मिलवा दिया। भाई इसमें मेहरबानी है, क्या बात है मुत्याद भाई। मैं तो चाहता हूँ अल्लाह करे ये रिश्ता हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। अरे भाई शहर को तो बुलवाएं। अरे हाँ मुमताज, जाओ शहर को लेके आओ। जी मैं लेकर आती हूँ शहर को। माफ कीजिएगा अंकल, वो आपकी बहन की शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? बस बेटा ये सब नसीब के खेल है। हमारे वालिद मरहूम ने 6 साल पहले अपने दोस्त के बेटे के साथ इसकी मंगनी कर दी थी और वो अमेरिका चला गया एमिग्रेशन के लिए। बस उसके बाद वो वापस नहीं आया, उसी के इंतजार में ये बैठी हुई। एमिग्रेशन के चक्कर में उसने 6 माह पहले वहाँ पे शादी कर ली। ओहो, ये तो वाकई बच्चे के साथ बहुत जुल्म है। हाँ 6 साल लटके रहे हम उसके इंतजार में और इस दौरान उसके काफी रिश्ते आए और हम मना करते रहे। अरे अंकल इतनी प्यारी सी तो है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी जगह उनका रिश्ता होगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह। आओ आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अंकल हमारी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है, बस हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अरे ठीक है बेटा, 2-4 दिन में मैं जवाब दे दूंगा। अरे चाय वाय तो लेना आप लोग, दो दो दो, ये भी दे ये भी दे। अरे तुम तो लो यार। अरे भाई आप भी।
से नहीं माने, इनको बदलना ही पड़ेगा। अम्मी, मैंने कामरान को शहर की तस्वीर दिखाई, कामरान बहुत खुश हो गया। अरे शहर तो मुझे भी बहुत पसंद है, देखो उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। अरे अम्मी आप तो बिल्कुल फिक्र ही ना करें, देखिएगा जवाब इंशाल्लाह हाँ में ही होगा, आप तो बस शादी की तैयारियां शुरू करें। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, वैसे उनकी फूफी कितनी खूबसूरत है ना, बस कहीं रिश्ता नहीं हुआ उसका। अम्मी आदत और इखलाक की भी बहुत अच्छी है ना वो, मुझे लगता है कि अब जो भी उनका रिश्ता आएगा ना, उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से ना बड़े उम्र के मर्दों का रिश्ता आएगा। बस मेरी तो दुआ है अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा ये बताओ तुमने दामाद जी को दिखाई थी तस्वीर? जी अम्मी मैंने इन्हें भी शहर की तस्वीर दिखाई और इन्हें भी शहर बहुत पसंद आई, ये तो कह रहे थे कि जल्दी से डेट फिक्स कर दो। अरे हाँ हाँ बात तो पक्की करनी है, लेकिन ऐसे कैसे बात पक्की कर ले जब तक वहाँ से जवाब ना आए लड़की वालों के यहाँ से, अब उसी का तो इंतजार है। अम्मी इंशाल्लाह हाँ में आना है जवाब, हमारे कामरान में कोई कमी है क्या? उम्मीद तो मुझे यही है लेकिन अब कह नहीं सकते ना। इतना मत सोचो यार, कामरान बहुत अच्छा लड़का है, यकीन मानो हमारी शहर वहाँ बहुत खुश रहेगी। अगर मेरी दूसरी बेटी होती ना तो आंख बंद करके रिश्ता कर देता कामरान से। नहीं यार ये बात नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा था। तो फिर तुम्हारी तरफ से क्या जवाब? हाँ हाँ मेरी तरफ से हाँ ही समझो, और मुझे भी वो लोग बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे यार, यकीन मानो सारी जिंदगी तुम मुझे दुआएं दोगे। हाँ हाँ बिल्कुल यार, वैसे तुमने दोस्ती का हक निभा दिया। अभी का हक निभाया है, मेरा मतलब था पहले हमारी बेटी तो रुखसत हो जाए। अच्छा मैं कल ही जाके साजिदा आपा को खुशखबरी सुनाता हूँ। ठीक है यार, थैंक यू यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। फिर गरीब वाली बात। अच्छा अच्छा तुम साजिदा आपा के पास जाके ना दिन तारीख की बात करके मुझे इत्तला जरूर दे देना। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सब फाइनल करके तुम्हें बता दूंगा। बस आप ये समझ लें कि शहर के घर आने से आपका घर और रोशन हो जाएगा। बस अब जल्दी से कामरान के मामू का मुंह मीठा करा दो। जरूर क्यों नहीं, तुमने भाई बन के दिखा दिया, अब सारी जिम्मेदारी ना तुम्हें अदा करनी है। अरे मैं कहाँ भागती फिरूंगी। अरे तुम्हें कौन कर रहा फिरने फिराने के लिए, मैं हूँ ना, तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा वो दिन तारीख क्या तय किया? देखो भाई कामरान आ रहा है अगले महीने की 30 तारीख को, तो उसके एक हफ्ते बाद की तारीख तय कर लेते हैं। ठीक है मैं जाके इम्तियाज भाई को बता देता हूँ। अरे हाँ हाँ तुम बता देना, मगर मिठाई लेके मैं खुद जाऊंगी और रस्म के मामलात भी तो तय करने। जिस तरह तुम्हारी मर्जी हो इसी तरह करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वो भाई तो घर पे नहीं है। आप तो है ना, हमें अंदर आने का नहीं कहा? जी आ जाइए। आइए बैठे। वैसे इतनी उदास उदास क्यों रहती है? ऐसे बहुत जल्द तुम्हारी उदासी खुशियों में बदलने वाली है। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बैठो तो सही, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। जी बोलिए। मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जी
अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। जज्बाती हो गई है। मैं आज अपनी डेट फाइनल करके ही जाऊंगा। अरे क्या हाल है भाई, कब आया? अभी भी आया था, पता चला तुम बाहर गए थे। हाँ यार, बस वो थोड़ा एक काम से निकला होगा। और चल बैठ बैठ बैठ। और भाई और सुनाओ, क्या खैर खबर है? अगले महीने की 30 तारीख को कामरान आ रहा है। आपा कह रही थी उसके आने के बाद अगले हफ्ते की तारीख रखेंगे। वैसे भी वो 2-3 दिन में आएंगी मिठाई देने के लिए, सारे मामला खुद ही तय कर लेंगे। भाई मेरी तरफ से तो सारी तैयारियां मुकम्मल है, जैसी आपा डेट फाइनल करेंगी मैं जाके हाल बुक करवा लूंगा बस। क्या बात है, खैरियत तो है, क्या सोच कह रहा हो? तो मुमताज का रिश्ता ना होने की वजह से परेशान हो ना? हाँ यार, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करना चाहता हूँ। क्या मतलब? मैं निकाह करना चाहता हूँ मुमताज से। ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? अरे क्या कमी है मुझमें? अकल की कमी है तुम्हारे अंदर, अकल की। अरे तुम्हारी और उसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। मर्द की उम्र नहीं, उसकी आमदनी देखी जाती है, और तुम्हें अच्छी तरह पता है रुपए पैसे की कोई कमी नहीं मेरे पास। अकल की तो कमी है ना तुम्हारे अंदर। अरे मेरी बहन अभी मुझ पे इतना बोझ नहीं बनी है कि मैं उसे अंधे कुएं में धकेल दो, समझे तुम? और अब तुम यहां से जा सकते हो। तो मुझे मना करता है मुझे? अब देखता हूं मैं शहर का कैसे रिश्ता होता है, जब मैं रिश्ता करवा सकता हूं, रिश्ता तोड़वा भी सकता हूं। जी वो भाई तो घर पे नहीं है। आप तो है ना, हमें अंदर आने का नहीं क्या? मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा जी? अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। मेहता, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। मैं परेशान भी हूँ और आपके सामने शर्मिंदा भी। खुदा ना खास्ता ऐसी क्या बात हो गई? शहर के रिश्ते के सिलसिले में मैंने आपसे गलत बयानी से काम लिया था। गलत बयानी? हाँ बेटा, वो लोग इस काबिल नहीं है कि उनसे कामरान का रिश्ता किया जाए। क्या अचानक उन लोगों में क्या खराबी निकल आई? और तुम तो ये रिश्ता करा के फूले नहीं समा रहे थे। यही तो शर्मिंदगी है, दोस्ती के आगे मजबूर हो गया था। इम्तियाज ने हाथ पांव जोड़ते मेरे आगे, मैं क्या करता? मगर फिर भी अंकल, आखिर ये पता तो चले कि उन लोगों में खराबी क्या है। देखो मैं किसी की इज्जत उछालना नहीं चाहता, लेकिन इशारा तन में तुम्हें बता देता हूँ कि मुमताज खूबसूरत होने के बावजूद घर की बेटी, आप लोग खुद समझदार है, इससे ज्यादा बताने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मगर वजह तो इम्तियाज साहब ने बताई थी। वो सब झूठ था। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जल्दी से जल्द कामरान का रिश्ता वहां से खत्म कर दें। मगर अंकल, देखो आइंदा की शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब आगे जो आप लोग को फैसला करना वो कर लें। अरे ये मुमताज को क्या हो गया, ये क्या कह के चला गया? हम कामरान को क्या जवाब देंगे? भैया 2 दिन हो गए साजिदा आंटी अभी तक नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई फोन किया। आप उनको फोन करके तो देखें, मालूम तो करें कि उनका इरादा है भी या नहीं। नहीं, अभी मुनासिब नहीं है फोन करना, हमें उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। देखो
शहर के नसीब में अगर ये रिश्ता है ना, तो उसका नसीब कोई छीन नहीं सकता। देखो मुमताज, रिश्ते गिर पड़कर या जोर जबरदस्ती से नहीं होते। और देखो, शहर के सामने बिल्कुल फिक्रमंदी का इजहार मत करना। भैया आप बेफिक्र हैं, मैं इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी उसे। वैसे मुझे लगता है कि ये सारी गड़बड़ जो है ना, मेहताब की है। भैया अल्लाह ताला सब देख रहा है, कौन सही है कौन गलत है, फिर हम क्यों डरे। भैया वो शहर ब्यूटी पार्लर जाने का कह रही थी, चली जाए। अरे तो ले जाओ भाई उसे, इसमें क्या का बात है। अरे यही तो उम्र है उसकी सजने संवरने की। जी बिल्कुल। भैया वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे निकलवाने हैं, तो मिल जाएंगे। अरे हाँ भाई ले लेना पैसे, जाओ। दो दिन हो गए हाथ पे हाथ रखे बैठे, और अगर कामरान का फोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी उसको। अम्मी हमें इस तरह हर किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए आंखें बंद करके। अरे कह तो तुम ठीक रही हो, मेहताब की बातों में तो मुझे खोट नजर आ रहा है, और उस दिन के बाद से तो वो नजर ही नहीं आया। वैसे अम्मी मुझे लगता है कि हमें खुद से उनके बारे में मालूमात करनी चाहिए। देखिए ना, मुझे तो उन लोगों में कोई बुराई नजर नहीं आती, ना शहर में ना शहर की फैमिली में। अरे हाँ, इस काम के लिए मैं अकबर को लगाती हूँ, आखिरकार वो लेक्चरार है, और शहर के महल्ले में कोई ना कोई तो उसका शागिर्द रहता होगा। वैसे अम्मी अकबर भाई की शादी क्यों नहीं हुई अभी तक, इतनी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है उनकी तो। बस बेटा माँ बाप के इंतकाल के बाद उस पर जिम्मेदारियाँ इतनी पड़ गई, चार बहनों की शादियाँ करते करते खुद 40 साल का हो गया। तो अम्मी अब तो आंटी का भी इंतकाल हो गया, अब कौन करवाएगा उनकी शादी। मेरी खालाजाद बहन का बेटा है, और जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है। अम्मी अल्लाह करे मेहताब अंकल की सारी बातें झूठी हों, तो अकबर भाई के लिए मुमताज बाजी कैसी रहेंगी। हाँ अल्लाह करे ऐसा ही हो, मुझे यकीन है कि इम्तियाज भाई ज़रूर मान जाएंगे। अरे अम्मी आप पहले अकबर भाई से तो बात करें। अच्छा फोन तो मिला अकबर को। आंटी आप यकीन मानिए कामान की लॉटरी खुल गई है, शहर में की स्टूडेंट रही है उसे, उसकी फैमिली को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बेटा तुमने ये बता के तो मेरी मुश्किल आसान कर दी है। अच्छा अकबर भाई आप ये बताएं कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका क्या सारी उम्र कुंवारे रहने का इरादा है। अच्छा बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मेरी शादी का। अरे भाई कोई कराएगा तो करूंगा ना, बस जब से अम्मी जान इस दुनिया से गई है किसने पलट कर पूछा ही नहीं। हाँ बेटा बड़ी कुर्बानियां दी है तुमने, चार बहनों की शादियां करना कोई मजाक नहीं है। अच्छा अकबर भाई आप ये बताएं कि कैसी लड़की पसंद है आपको। बस घरेलू सी हो, ज्यादा चटक मटक करने वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। हाँ समझदार और मैच्योर होनी चाहिए। और अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो फिर। फिर देर काहे की है, 40 का तो मैं हो ही गई हूं। अच्छा अकबर भाई अगर लड़की की उम्र 28 से 30 साल हो तो। तो यही उम्र तो होती है मैच्योरिटी। फिर तो तुम्हें कल दिखा दे तुम्हारी पसंद की लड़की। है इतनी जल्दी। अकबर भाई अम्मी शहर की फूफो की बात कर रही हैं, कसम ले लें बहुत अच्छी हैं वो। शहर की फूफो। हम लोग कामरान की तारीख तय करने जाएंगे तो वहाँ तुम शहर की फूफो को देख लेना, अगर तुम्हें पसंद आ जाए इशारा कर देना, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। चले फिर बिस्मिल्लाह करें। ठीक है अकबर भाई फिर कल आप हमारे साथ चल रहे हैं ठीक है, और अम्मी आप इम्तियाज अंकल को फोन करके कह दीजिएगा कि हम लोग आ रहे हैं। अंकल अकबर भाई का तारुफ हमने करवा दिया, मगर अभी इनका एक और तारुफ भी बाकी है। भाई साहब शहर को बुलाएं, एक सरप्राइज है शहर के लिए। जी मैं बुला के लेकर आती हूँ शहर को।
कैसी हो सर? कमाल है, पहचान लिया तुमने। सर, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप तो मेरे फेवरेट टीचर थे। भाई साहब, सब बातें तो तय हो चुकी हैं, मगर एक डिमांड है हमारी। डिमांड? अब जी फरमाइए, कैसी डिमांड है? कोशिश करूंगा कि मैं उसे पूरी कर सकूं। अंकल, ये डिमांड जबरदस्ती की नहीं है, हमारी तो बस एक ख्वाहिश है। मगर बेटा, कुछ पता तो चले कि बगैर सुने मैं कैसे हाँ कर दूं। भाई साहब, मैं अपने भांजे अकबर के लिए मुमताज के रिश्ते के लिए दरख्वास्त करती हूँ। मगर मेरी बहन, मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दीजिए। भाई साहब, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लें, लेकिन अब मुमताज हमारी हो गई है और मुझे उम्मीद है आप अपनी इस बहन की बात नहीं टालेंगे। ठीक है, अब इसके आगे मैं अब क्या कह सकता हूँ, जिसमें सबकी खुशी वही हमारी खुशी। अम्मी, अम्मी ये देखें, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है ये पिक्स। अरे, ये तो मेहताब है। जी मेहताब अंकल, आपके मुंह बोले भाई। अरे नाला तो ऐसे भाई पे, मगर ये औरत इसको चप्पल से क्यों मार रही है? अम्मी बीवी है इनकी, पहली बीवी के मरने के बाद पता नहीं कितनी शादियां की होंगी इन्होंने पैसों के जोर पर। बीवी? मगर मार क्यों रही है इसे? पोल खुल गई है सारी शादियों की और सारी बीवियां एक हो गई है इनकी। अच्छा हुआ, ऐसे कमीने आदमी का ना यही अंजाम होना चाहिए था।